हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य के परिपेक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 यानी राज्य के 25 वर्ष होने तक राज्य को नशे से मुक्त, टीवी से मुक्त और पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में जाकर उनके द्वारा बैठक ली जा रही है। नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ ही ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अपराधियों की धरपकड़ और व्यापक कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नशे को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास भी शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में तीन बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीवी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है, और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं।